पड़ी रहती थी, तो तब मुझे लगा मुझे तो थकावट ही नहीं हुई। तो बाबा जी की इतनी कृपा कि ऐसे लगा बिल्कुल फ्रेश, कोई घूमा नहीं फिरा नहीं, ऐसे घर में आके भी कुछ नहीं हुआ, कब मैं सोए तक नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत हैरान, कहते पहले तो तू इतना ज्यादा सोई रहती, इस बार क्या हुआ? मैंने कहा देखो शिव बाबा की कृपा दिख रहा सामने ही। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया डेली 4 बजे उठना और सेंटर में जाती, पहले मतलब योग करती हूँ, फिर सेंटर में जाके मुरली सुनती हूँ, फिर उसके बाद उधर भी योग कराते हैं। उससे मुझे बहुत आराम मिल गया, घर में मेरे बहुत शांति शांति। पहले घर में कला क्लेश रहता था, ये तो आजकल सबके घरों में, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, पर ये कॉमन है। तो मेरे घर में बहुत ही क्लेश, बच्चे बड़े मतलब जो भी था, जैसे इन्होंने जैसे जैसे योग सिखाया वैसे मैंने करना शुरू किया। मेरी बहू खुद कहती कि मम्मी हमारे घर में बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं कि तुझे लग रहा है? कहती हाँ आप बहुत फर्क रहा। मतलब उस वो कभी सुबह उठ के नहाती नहीं थी, उसने नहा के खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं इतनी इम्प्रेस हुई मेरे से, तो मैंने उसको खुशी में कहा, मैंने कहा बेटे तूने सुबह नहाना शुरू कर दिया और खाना बनाती है बाबा जी का, अब मैं उसको गिफ्ट लेके दिया। मैंने कहा संभाल के रखना, याद रखना कि बाबा जी की याद में सूट दिया था मैंने तुझे। जब भी मैं पैसे तो देते ही रहते हैं, पर ये स्पेशल है, इसको जब भी डाला करेगी याद किया कर कि इसलिए दिया था मुझे। बाकी इन दीदियों की इतनी कृपा है, इतना अच्छा समझाते हैं ये, इतना प्यार लगाते हैं। मेन बात तो ये कि सेंटर में प्यार बहुत मिलता है, छोटे बड़े दीदी सुधीर भाई, बाकी ये जितनी टीचर दीदियां हैं, ये भी ऐसे लगता है कि हमें जो प्यार हम बरसों से तरस रहे थे वो इधर मिलता है। इधर एक ही परिवार लगता है, घर में हमें इतना नहीं अच्छा लगता जितना इधर लगता है। पर बाबा जी का ये ऑर्डर है कि अपने घर में रह के ही ये ज्ञान आपने सीखना है और औरों को भी आगे देना है। तो मैं सभी दीदियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जस आपका शुक्रिया करती हूँ जो इधर आए हैं, इधर की शोभा बढ़ाई है। थैंक यू, ओम शांति।